Hello friends, a warm welcome to you for this next session of KVPY SX series. आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर करेंगे. शेड्यूल इस वीक का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप अपडेटेड रह सकें. इस वीक में जो SA स्ट्रीम है, यानी कि जो 11th स्टैंडर्ड वाली स्ट्रीम है, उसके लिए शेड्यूल ये है. आई विल गेट आउट ऑफ द फ्रेम सो दैट यू आर एबल टू वॉच द शेड्यूल कम्प्लीटली, एंड दिस वुड बी योर शेड्यूल फॉर द SX स्ट्रीम. ठीक है, जो आप लोगों का शेड्यूल है वो ये होगा. ऑलराइट, एंड जैसे कि हम अपना प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करें, उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में. तो दिस इज़ द लिंक दैट यू कैन यूज़ टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड एट दिस ग्रुप यू विल फाइंड अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, सो यू कैन हैव डिस्कशंस अमंग योर सेल्फ, एंड यू विल फाइंड टीचर्स ऑल्सो. दे विल एड्रेस योर डाउट्स वट एवर यू पोस्ट इन द ग्रुप. अदर एस्पिरेंट्स विल ऑल्सो हेल्प यू विद दोज डाउट्स, एंड टीचर्स विल ऑल्सो हेल्प यू. ऑलराइट, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर JEE चैनल. सो वी हैव अ JEE चैनल जहाँ पे हम JEE के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं. सो इट विल हेल्प यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक आर वीडियोज़, शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑलराइट, ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड बिगिन टेकिंग क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैट्स फॉर दिस सेशन. सो गाइज, देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ, सो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. फिगर शोज टू ग्राफ्स एक्स एंड वाई रिलेटेड टू अ चार्ज्ड conducting sphere of radius a. So let's try to understand here that we have a charged conducting sphere. Charged hai, conducting hai, theek hai? And there are two graphs that you can see here, theek hai? Is graph ki shape kuch aisi hai, matlab if it's not clearly understood to you, the shape is something like this. Jo first graph hai, I'll just draw it and then I'll get out of frame, theek hai? फर्स्ट ग्राफ ऐसे बना हुआ है और सेकंड ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द टू ग्राफ्स. ठीक है, और इन ग्राफ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. वी हैव टू फिगर आउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट ए सेज एक्स रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल वर्सेज डिस्टेंस. ओके, एक्स रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल वर्सेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ओके, while y represents electric field. तो मेरे ख्याल से ना options read करने से पहले एक बार हम खुद अपना एक idea create कर लेते हैं कि किस तरह के graph हम expect कर रहे हैं, and then maybe we can come back to this slide to check कि क्या होना चाहिए. ठीक है, so for a conducting sphere, just a minute, for a conducting sphere, whatever charge we give to it, if it is an isolated sphere, isolated का मतलब उसके आसपास कोई दूसरी charge bodies अगर नहीं है, तो चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, एंड गाइस दिस स्टेटमेंट रिमेन्स ट्रू चाहे ये स्फेयर सॉलिड हो चाहे ये हॉलो हो. मतलब मास कहाँ पे प्रेजेंट है इससे फर्क नहीं पड़ता है. वी हैव टू फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ऑलराइट, सो इवन इफ दिस इज अ सॉलिड स्फेयर और दिस इज अ हॉलो स्फेयर, सो लॉन्ग एज वी आर सेइंग दैट इट इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटीरियल, the charge will distribute on the outer surface and the distribution will be uniform because there are no other charges in the surrounding. कोई और charge होते तो induction की process हो जाती. ठीक है, अब ऐसे case में हम potential के बारे में क्या लिखते हैं? Center से लेके surface तक potential रहता है constant, और उसके बाद वही formula applicable होता है जो एक charged particle के लिए हो. ठीक है, so if we are looking for the graph of potential, ठीक है, आई वुड से कि सरफेस तक यहां तक एक कॉन्स्टेंट ग्राफ होना चाहिए और फिर यू रिड्यूसिंग ग्राफ होना चाहिए, एंड द सेम कैन बी ड्रॉन फॉर द अदर साइड ऑल्सो. पहले कॉन्स्टेंट और फिर यू रिड्यूसिंग, तो इस तरह का ग्राफ तो पोटेंशियल का होना चाहिए. ठीक है, सो आउट ऑफ द टू ग्राफ्स दैट आर गिवन ऑन द स्क्रीन एक्स एंड वाई, वाई ग्राफ होना चाहिए पोटेंशियल का. ये तो पोटेंशियल की बात हो गई. एज फार एज द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज इनर रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और बाहर निकलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वैसा होगा जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, यानी कि जितना हम दूर जाएंगे फील्ड उतना ही रिड्यूस होता चला जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं फील्ड के ग्राफ की बात करूं, फील्ड पहले होना चाहिए जीरो, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से. ठीक है, सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ दैट वी कैन सी. ठीक है, ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आएगी. इस तरह की जो वर्टिकल लाइंस ग्राफ में बनती है उनको डॉटेड शो कर देते हैं हम. ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द अदर साइड ऑल्सो. पहले जीरो और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ग्राफ, एक फाइनाइट वैल्यू से डिक्रीजिंग ग्राफ. सो इस तरह का ग्राफ है ग्राफ एक्स. सो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाई इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस केस. ठीक है, अब हम जरा ऑप्शंस पे चलते हैं. ठीक है,
ओके इसको हटा देते हैं. तो हमने डिसीजन तो ले ही लिया है, वाई है पोटेंशियल और एक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड. ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, लेट्स रीड दैट. आई एम आउट ऑफ फ्रेम राइट नाउ. एक्स रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस. ए ऑप्शन इज डेफिनेटली रॉन्ग. ठीक है, वाई रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस. तो यहां तक तो सही लग रहा है. एक्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. सो बी ऑप्शन लुक्स लाइक द करेक्ट वन. बी ऑप्शन करेक्ट हम तो क्लेम कर ही रहे हैं. सी और डी को भी पढ़ के देख लेते हैं, वो गलत होने चाहिए. लेट्स जस्ट रीड देम. बोथ ग्राफ शो दैट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट. तो कंटिन्यूअस तो नहीं है. पोटेंशियल का ग्राफ कंटिन्यूअस जरूर था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी थी. ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया. डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ग्राफ शो दैट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर उसमें मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात, मतलब जो पॉइंट थे, जो सरफेस है, वहां पे तो हम कर नहीं पाएंगे. ठीक है, और मोर ओवर पोटेंशियल के ग्राफ में भी वी कैन नॉट से कि उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है. हर जगह सरफेस पर कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, आर मतलब इनर साइड से जब हम सरफेस को अप्रोच करते हैं तो स्लोप ऑफ ग्राफ जीरो है. जैसे इस ग्राफ में देखते हैं, जब हम इनर साइड से सरफेस को अप्रोच करेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ इज जीरो. जब हम आउटर रीजन से सरफेस को अप्रोच कर रहे हैं तो इस ग्राफ की स्लोप नॉन जीरो है. ठीक है, सो सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट. सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट बी एज द करेक्ट आंसर. एंड यस, बी इज इंडीड द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नाउ दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड प्योरली ऑन थ्योरी. ठीक है, इस तरह के ग्राफ थ्योरी में बनाना सिखा दिए जाते हैं. अगर ग्राफ नहीं भी याद है, एटलीस्ट फॉर्मूले या सिचुएशन याद होनी चाहिए. क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन पे बेस्ड था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज शेल की वजह से क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. मतलब आई वुड से कि दिस क्वेश्चन बिलोंग टू एन ईजी कैटेगरी. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से. ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. दिस क्वेश्चन सेज दैट फिगर बिलो शोज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री चार्ज क्यू माइनस टू क्यू एंड क्यू. सो देर आर थ्री चार्जेस लोकेटेड ऑन दी वाई एक्सिस. ठीक है, एक ओरिजिन पे लोकेटेड है, दिस इज माइनस टू क्यू. ठीक है, और दो बाकी दो चार्जेस वाई एक्सिस पर लोकेटेड है. ठीक है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस यू कैन सी द सिचुएशन. नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फॉर लार्ज एक्स कंपेयर टू द साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ, जैसे ये लेंथ अगर मैं कुछ मान लेता हूं, सपोज आर मान लेते हैं या एल मान लेते हैं, वट एवर, तो हम जिस डिस्टेंस पर फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस इस एल या आर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा मानना है. ठीक है, सो लेट्स सी क्या करेंगे. और इनफैक्ट हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन की एक्स पे डिपेंडेंस क्या होगी. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. सो गाइज, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखना सिचुएशन ड्रॉ करता हूं मैं सबसे पहले. ठीक है, यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है, इधर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहां पर जो चार्ज है, द चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हेयर इज माइनस टू क्यू. ठीक है, तो अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लूं, तो यहां पर इस नेगेटिव पार्टिकल की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ऑलराइट, एंड हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस. इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा k इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस x माना है हमने, तो ये तो हो गया इस पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन. अब बाकी बात बची इस यहां पर जो q चार्ज है उसका और यहां पर जो q चार्ज है इसका. इन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालना है हमें. ठीक है, अब देखो गाइज, यहां पे मैं रिंग वाला फॉर्मूला यूज करता हूं. रिंग का एक रिजल्ट होता है, जैसे इफ आई इमेजिन दीज चार्जेस टू बी प्रेजेंट ऑन अ रिंग विच इज केप्ट इन दी वाई जेड प्लेन. जैसे ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये रिंग हो गई वाई जेड प्लेन पे. ठीक है, कैन वी कंक्लूड कि इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से यहां पे जो फील्ड आएगा सिर्फ इन दोनों की वजह से वो इस डायरेक्शन में आएगा. कैन वी कंक्लूड दैट. ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये पार्टिकल ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा. सो वी विल हैव टू कंपोनेंट्स, टू फील्ड्स, और उनके एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे और एक्सिस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ये पार्टिकल इधर प्रोड्यूस करेगा, ये नीचे वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं. ठीक है, सो वी विल हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट इरेज दिस. ओके, ऑलराइट, सही है. तो हम इसको लिखेंगे कैसे,
ये जो कंपोनेंट होता है, हम अगर ये मान ले कि ये दोनों ही चार्ज एक रिंग का हिस्सा है, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसके लिए फॉर्मूला होता है के इंटू टोटल चार्ज ऑफ रिंग विच इज 2q इंटू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, वो है एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, लेट से अगर ये डिस्टेंस में आर मान लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर, एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको लिखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अभी तक याद नहीं करा है तो अब कर लेना, ठीक है। तो वी हैव टू फील्ड्स विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जब हम नेट फील्ड निकालेंगे, ठीक है, नेट फील्ड में फिर इनका डिफरेंस ले लेना चाहिए हमें, ठीक है। पॉजिटिव वाली फील्ड में से नेगेटिव को माइनस करके देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट 2kqx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैलकुलेशन अब करनी है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो गाइज आई एम गोइंग टू रब दिस, रब ऑल दिस, या एक काम करते हैं, ओके आई हैव टू रब दिस, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। ये एक्सप्रेशन एक बार देख लो, आई विल बी राइटिंग दिस एक्सप्रेशन अगेन एंड आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द कैलकुलेशंस, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार, लेट्स या लेट्स डू द कैलकुलेशन नाउ। ई जो हमने लिखा था वो था 2kqx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस अगेन 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इस डिनोमिनेटर में से x को बाहर निकाल दूं या एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो वो बाहर आके एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी टेक आउट एक्स स्क्वायर फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर आके एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 1/x² आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स क्यूब और ये एक्स कैंसिल होकर नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2kq बाय एक्स स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लिया, फर्स्ट क्वांटिटी में बचेगा 1+r² बाय एक्स स्क्वायर रेस टू पावर माइनस 3/2, ठीक है। इसको न्यूमरेटर में लिख दिया इसलिए पावर नेगेटिव कर दी, -1, ठीक है। अब हम बाइनोमियल यूज कर लेते हैं क्योंकि ये x r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा दे रखा है, तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी होगी, तो इसको ओपन करने के लिए हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2kq बाय एक्स स्क्वायर एंड देन वी विल ओपन इट एज 1-3/2 r² बाय एक्स स्क्वायर -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें तो केवल x पर डिपेंडेंस चेक करनी थी, तो इस एक्सप्रेशन में x डिनोमिनेटर में आ रहा है और एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो x की पावर जो है वो 4 आ जाएगी, ठीक है, मतलब 1/x^4 पर डिपेंडेंट होना चाहिए। सो इफ आई मूव ऑन तो वी कैन सी 1/x^4 पर डिपेंडेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1/x^4। ऑलराइट, सो अगेन नाइस क्वेश्चन विच यूज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ठीक है, और थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन की भी जरूरत पड़ी थी। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स रीड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। द क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन गाइस, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। डायपोल्स पर जो फोर्स लगता है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। या सो द फील्ड इज हाउएवर नॉन यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ वट एवर। द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ 10^-7 कूलम मीटर, ठीक है, इन द नेगेटिव। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले मैं ना सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ, वट काइंड ऑफ सिचुएशन इज। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इफ आई से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड z एक्सिस इज आउटवर्ड, ठीक है। तो अभी जो मैंने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, इसमें z एक्सिस बोर्ड से बाहर आ रही है, ठीक है, विच मीन्स कि फील्ड लाइंस इधर की तरफ हुई, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक फील्ड की जो डायरेक्शन थी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, लेट्स गो बैक एंड जस्ट चेक वंस। द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म,
पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है. ऑलराइट, सो या ठीक है, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में. इसका मतलब अगर हम यहां से एक ऑब्जर्वर अगर देख रहा है सिचुएशन को, ठीक है, मतलब मेरी जगह से एक्स एक्सिस मेरी तरफ हो गई, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ हो गई और जेड एक्सिस मेरे लेफ्ट हैंड पे हो गई, ठीक है, तो जहां से मैं इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं वहां से देखने वाले को ऊपर नजर आएगी वाई एक्सिस और इधर नजर आएगी जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ नजर आएगी. सो इफ सच अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग द फील्ड, तो ये जो फील्ड लाइंस क्लेम करेगा, फील्ड लाइंस, ठीक है, कुछ ऐसी, ये समझ में आ रहा है क्या? पर इस तरह की फील्ड लाइंस में तो मैंने यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया. क्वेश्चन ये भी कह रहा है जैसे कि फील्ड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ता जा रहा है. सो वी कैन से कि ड्यू टू वॉट एवर प्रेजेंस ऑफ चार्ज जिस तरह भी प्रेजेंट है, ठीक है, सम न्यू फील्ड लाइंस आर एडिंग एज वी आर मूविंग ऑन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नई फील्ड लाइंस ऐड होती जा रही है, ठीक है, तभी ऐसा होगा कि फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है और डायरेक्शन एक ही मेंटेन्ड है, ठीक है. इस पूरे स्पेस में कोई चार्ज प्रेजेंट हो सकता है जो इस तरह की सिचुएशन अराइज करवा रहा है, ठीक है, तो पैटर्न कुछ इस तरीके का है, क्लियर है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, लेट्स चेक इट बैक. सो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट रेट ऑफ, सो व्हेन वी ट्रेवल 1 मीटर द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10^5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और हमको निकालना है फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मच, ठीक है, और डायरेक्शन जेड दे रखी है, माइनस नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां पे अब एक डायपोल हमें रखना है, ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव जेड रखनी है, तो डायपोल ऐसे ओरिएंटेड हुआ क्या, आई विल ट्राई टू चेंज द कलर, या तो डायपोल ऐसे ओरिएंटेड हुआ नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है, आ रहा है तो समझे, डायपोल ऐसे ओरिएंटेड हुआ, तो अगर मैं इसको एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह ट्रीट करूं, इसको एक नेगेटिव पार्टिकल की तरह ट्रीट करूं, ठीक है, आ रहा है समझे, सो आई कैन क्लियरली सी कि इन दोनों पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा तो इन पे इक्वल फोर्स तो नहीं लगेगा, ठीक है. ऑलराइट, तो हमने ये तो देख लिया था कि दोनों पार्टिकल्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहे थे वो डिफरेंट थे, जो नेगेटिव पार्टिकल था उस पर फोर्स बड़ा लग रहा था, दिस इज क्यू ई वन, और जो इस पर लग रहा था फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, दिस विल बी क्यू ई टू, ठीक है. एंड वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस, ये दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगी, तो टॉर्क तो जीरो होगा, ठीक है. अब लेकिन फोर्स की बात आती है, तो देखो अगर हम इस सिंपलिस्टिक सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली नेट फोर्स माइनस जेड डायरेक्शन में होना चाहिए और उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आनी चाहिए, इसको हम क्यू इंटू ई वन माइनस ई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको कि क्यू इंटू डेल्टा ई भी लिख सकते हैं. डेल्टा ई क्या चीज़ है यहाँ पर, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बहुत ही पास पास है एक दूसरे के, तो इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हुआ है, ठीक है, जैसे वॉट एवर इज द लेंथ, मान लो ये लेंथ अगर लेट्स से डेल्टा जेड है, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट पे चेंज जरा सा ही होगा दोनों पार्टिकल्स की लोकेशन में, ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे दिस क्यू डेल्टा ई कैन बी रिटन एज क्यू इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड, और ये क्यू डेल्टा जेड प्रोडक्ट क्या हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया क्या, ठीक है, q डेल्टा z इज डायपोल मोमेंट इंटू डेल्टा e बाय डेल्टा z. इस क्वेश्चन में यही गिवन है क्या हमें, q डेल्टा z गिवन है हमें, q डेल्टा z हो गया डायपोल मोमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10^-7. एक बार चेक कर लेते हैं, डू होप यही गिवन था, डायपोल 10^-7 एज यू कैन सी, ठीक है, ओके 10^-7, और ये जो हमें गिवन था रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये था 10^-5 या 10^+5 था ये, ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 10^-2, ठीक है, तो फोर्स होगा इतना, डायरेक्शन होगी माइनस जेड और टॉर्क होगा जीरो, ठीक है, सो लेट्स सी कि ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है, 10^-2 हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है, सो 10^-2 इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन एंड टॉर्क इज जीरो, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now this question says in one model of an atom a positively charged point nucleus of charge ZE, ठीक है, तो point nucleus कह रखा है, charge ZE बता रखा है, is surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r, ठीक है, तो uniform density of negative charge up to a radius r, all right,
ठीक है, द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, फाइन. इन दिस मोड, इन दिस मॉडल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन गिवन है, पहले हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं. ठीक है, सो जो मॉडल सजेस्ट कर रहा है उस मॉडल के अकॉर्डिंग सिचुएशन ऐसी है कि दिस इज एन एटम, सो देर इज अ स्मॉल रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, देर इज अ स्मॉल रीजन एंड इन दिस एंटायर वॉल्यूम नेगेटिव चार्ज इज फिल्ड. तो ये वॉल्यूम पूरी नेगेटिव चार्ज से भरी हुई है, दोनों का टोटल जो वैल्यू है वो इक्वल है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उतना ही है. तो पहले तो हम आउटर पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं. आउटर पॉइंट्स पर जब हम फील्ड लिखेंगे तो ये फील्ड डिपेंड करेगा टोटल चार्ज पे, विच इज जीरो. ठीक है, तो आउटर पॉइंट्स पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया. सो वी आर वेरी श्योर रिगार्डिंग कि आर जब ग्रेटर देन आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए. वी आर श्योर अबाउट दिस. ठीक है, अब इनर पॉइंट पे बात करते हैं. इनर पॉइंट पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो होगा के जेड ई बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर से, और जो पूरी वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है ठीक है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सॉलिड बॉल या यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब एक वॉल्यूम में होता है, स्फेरिकल वॉल्यूम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दो फॉर्मूले होते हैं जो याद किए जाते हैं. एक होता है रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी की टर्म्स में, और यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब में, अगर हमें टोटल चार्ज की टर्म्स में लिखना हो तो. अभी मैं इस टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, क्यू की जगह आ जाएगा जेड ई. ठीक है, तो ये जो स्फेयर है, जो नेगेटिवली चार्ज स्फेयर है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है के इंटू जेड ई इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, के जेड ई तो कॉमन आ जाएगा. ठीक है, और अब ये बचेगा वन अपॉन आर क्यूब और वन अपॉन आर स्क्वायर माइंड आर अपॉन आर क्यूब. तो ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा इनर रीजन के लिए. ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा कह रहा है, आउटर रीजन में जीरो, इनर रीजन में ये. लेट्स चेक विच ऑफ द ऑप्शन सेज लाइक दिस. इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं. तो सबसे पहले तो देखो, यू कैन से कि यहां पर एक कॉमा होना चाहिए था. ठीक है, देखो ये जो रिटन है यहां पर, सॉरी नॉट यहां पर, यहां पर एक कॉमा होना चाहिए था. ये e इक्वल टू दिस वैल्यू फॉर r लेस देन r एंड दिस वैल्यू फॉर r ग्रेटर देन r, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि r ग्रेटर देन r में नॉन जीरो वैल्यू दिखा रहे हैं. ठीक है, यहां पर दे रखा है इक्वल टू, ये कॉमा यहां पर होना चाहिए था, इक्वल टू जीरो फॉर r ग्रेटर देन r. ठीक है, और यहाँ पे भी दे रखा है इक्वल टू जीरो, इन दोनों के सही होने के चांस अभी तक तो हैं. ये कह रहा है सभी के लिए ये फील्ड है, ये गलत हो गया. अब इन दोनों में से भी देखो, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, के जेड ई, के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है. ठीक है, सो दिस शुड बी द करेक्ट वन, दिस इज द इनकरेक्ट वन. ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सी. यस, आंसर एक्चुअली ये गिवन ही था. ठीक है, ऑलराइट, so let's see the next case now. Consider two cases, a point charge q at the origin. Okay, question says a point charge q is at the origin and a uniformly charged solid sphere of radius r. Point charge at origin, uniformly charged solid sphere of radius r with its center at the origin. Okay, and total charge q. Okay, uniformly charged, all right. Given below the Grassof properties of property x versus. So guys, situation kuch aisi hai. हमको कुछ ग्राफ्स दे दिए गए हैं. ठीक है, जैसे आई कैन सी हेयर कि ये एक ग्राफ है वन और ये एक ग्राफ है टू. तो वन और टू ग्राफ एक पर्टिकुलर रीजन में तो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर रीजन में ओवरलैप कर रहे हैं, और उससे पहले ये डिफरेंट है. ठीक है, उससे पहले ये अलग अलग है. हमको डिसाइड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी. ये वाला जो शेप है ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो लीनियर हो ही गया. ठीक है, तो ऑप्शंस नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं. सिचुएशन क्या है, पॉइंट चार्ज, चलो मैं सिचुएशन यहीं पे बना लेता हूँ, है ना, इसको पढ़ के बना लेते हैं. पॉइंट चार्ज इज एट द ओरिजिन, एक तो ये केस हो गया, और दूसरे केस में कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू. ठीक है, एक जनरल सी सिचुएशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विद चार्ज क्यू, ये पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन. ठीक है, चलो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, ऑप्शंस पढ़ते हैं. इसमें दे रखा है कि एक्स इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, x इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो ये तो गलत हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है,
ये सही लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ होगा ये, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी इन स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज वो होता है, वो तो फिक्स्ड, मतलब चार्ज स्फीयर तो एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स इज चार्ज डेंसिटी इन स्पेस, चार्ज डेंसिटी होगा ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, डजेंट लुक लाइक। तो ये तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इन सब में से तो मुझे बी सबसे सूटेबल लग रहा है, लेट्स सी। ऑलराइट, बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब, ठीक है। अ चार्ज क्यू इज स्प्रेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर सच दैट द चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सो एंड सो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड से चार्ज डेंसिटी दे रखी है, वेयर थीटा इज द यूजुअल पोलर एंगल, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। गाइज, ये क्वेश्चन ना एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लाइक इफ आई मेक द स्फीयर लाइक दिस, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे एक्स वाई एक्सिस कुछ बना लेते हैं, तो यहाँ से थीटा एंगल पर और आर डी थीटा, मतलब यहाँ से थीटा एंगल पर अगर मैं एक रिंग कंसिडर करूँ इस तरह की, ठीक है, तो इस रिंग के लिए जो चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन है वो हमें दे रखा है सिग्मा नॉट वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब या तो हम ऐसे करें कि इस रिंग की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालें और उसको इंटीग्रेट करें, तो पूरे स्फेयर की वजह से हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है, या तो ऐसे किया जाए, विच सीम्स अ ट्रबलसम टास्क, बट द ट्रिक लाइज इन दिस स्टेटमेंट, चार्ज क्यू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ऑप्शंस भी क्यू की टर्म्स में है, सिग्मा नॉट की टर्म्स में नहीं है। तो जब हमको बताई दिया है कि इस स्फेयर पे प्रेजेंट टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू है, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे, वो डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। देखो, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता तो हम क्या करते, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे कई चार्ज पार्टिकल्स होते, ठीक है, कई चार्ज पार्टिकल्स होते और हमसे कहा जाता इन सब की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकाल दो, तो हम ऐसा कुछ लिख रहे होते के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से लिख रहे होते, तो के बाय आर कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर एंड सो ऑन, विच मीन्स कि अगर हमें टोटल चार्ज पता हो, सारे चार्ज पार्टिकल्स जब किसी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट के इंटू टोटल चार्ज बाय द डिस्टेंस दैट गिव्स यू द पोटेंशियल, तुम्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस भी इसी फॉर्म में है, ठीक है, ऑप्शंस भी इसी फॉर्म में है, तो इनमें से डी ऑप्शन सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ऑलराइट, लेट्स जस्ट चेक दैट, यस डी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट गाइस, ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अभी क्या दे रखा है, ठीक है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरी आइडेंटिकल चार्जेस, इफ चार्जेस आर सेट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो सिचुएशन बना लेता हूं मैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि देर आर टू चार्ज स्फेयर्स, ठीक है, और इनको हमने किसी डिस्टेंस पे रखा, तो इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया एफ, कहने से कि ये एफ क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो भी है इनके बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने एक थर्ड अनचार्ज्ड स्फेयर लिया, ठीक है, थर्ड कंडक्टिंग स्फेयर आइडेंटिकल टू द अदर टू बट इनिशियली अनचार्ज इज देन टच टू वन स्फेयर, इससे टच कराया मान लो, तो टच कराते ही, जैसे ही हमने टच कराया, चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल बताए गए हैं, ठीक है, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे रियलिटी तो यह है कि इस बात से भी फर्क पड़ता है कि इसको तुमने यहां रख के टच कराया या यहां रख के टच कराया, ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से फर्क पड़ जाएगा, पर अभी मैं वो फैक्टर इग्नोर कर रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहां पे टच कराने से जो चार्ज का रेशियो आएगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन, एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन, एज कम्पेयर टू, इनफैक्ट इन दोनों में सेम आ जाएगा, पर यहां पर रखने से चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पर रखने से अनइक्वल होगा, ठीक है। सो पोजिशन एक्चुअली मैटर्स, बट राइट नाउ वी हैव टू इग्नोर दैट फैक्ट, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। अब हमने इनको अलग कर दिया, ठीक है, तो अलग कर दिया मतलब इसको हम यहां से ले गए, ठीक है, इसको यहां से ले गए, चलो इसको ले गए, अब इससे टच कराया, तो जब हमने इससे टच कराया, इसके पास q बाय टू चार्ज था, इसके पास q चार्ज था, अब फिर से जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिवाइड होगा,
टोटल चार्ज है क्यू प्लस क्यू बाई टू, उसको बाय टू कर दो, तो क्यू प्लस क्यू बाई टू इज थ्री क्यू बाई टू, ठीक है, और थ्री क्यू बाई टू का आधा थ्री क्यू बाई फोर, तो इस पे चार्ज बचेगा थ्री क्यू बाई फोर, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है, इसको हमने हटा दिया है, तो अब जो फोर्स आएगा, जो नया फोर्स होगा वो इस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोडक्ट है कितना, थ्री क्यू बाय एट, थ्री क्यू स्क्वायर बाय एट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या पता लग रहा है, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, अगर मैं f प्राइम बाय f कर दूं, देन वी गेट व्हाट, वी गेट थ्री बाय एट, सो द न्यू फोर्स विल बी थ्री बाय एट टाइम्स द ओल्ड फोर्स और द प्रीवियस फोर्स, थ्री बाय एट टाइम्स थ्री बाय एट, f इज थ्री बाय एट, ऑलराइट गाइस, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब बहुत छोटे साइज का मान ले रहा है, एट द ओरिजिन हैज पोटेंशियल गिवन बाय दिस, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता ही है, मतलब नथिंग इज न्यू, एक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिखते हैं वो यही लिखते हैं, ठीक है, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, नाउ वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द पोजिशन वैक्टर विद द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, वी ऑल नो दैट, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है फॉर दिस क्वेश्चन, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये पता होती है. नाउ सिंस द पोटेंशियल वैनिशेस एज थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब सिचुएशन में पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सिचुएशन इज समवॉट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज अ डायपोल एट ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो थीटा को अगर पाई बाय टू करें तो इसका मतलब हम एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, इस तरह से, ये समझ आ रहा है, ये डायपोल आधा इस प्लेन के ऊपर निकला हुआ है, आधा इस प्लेन के नीचे, समवॉट लाइक दिस, ठीक है, जैसे इफ माय पाम, इफ माय हैंड इज द एक्स वाई प्लेन, इज द एक्स जेड प्लेन, तो डायपोल आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है, तो फील्ड लाइंस कैसी होती है गाइज, इफ यू कैन ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर दिस केस, ठीक है, फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होती है क्या डायपोल के लिए, ठीक है, डायपोल की फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है, ठीक है, आ रहा है देख समझे, इस वाले रीजन में इस तरह की होती है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, तो इन फील्ड लाइंस को माइंड में रखते हुए, ये ऊपर है पॉजिटिव पोल, नीचे है नेगेटिव पोल, ठीक है, इन फील्ड लाइंस को माइंड में रखते हुए अब आंसर करते हैं, ठीक है, पहली बात तो एक और चीज माइंड में रखना, एक डायपोल की वजह से पूरे स्पेस में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर नहीं होता है, एक डायपोल की वजह से, अगर हम एक डायपोल है पूरे यूनिवर्स में और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है और हमसे पूछा जाए कि इस डायपोल की वजह से कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, द आंसर इज नोवेयर, ठीक है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, ठीक है, तो ये हो गई हमारी फील्ड लाइंस. अब क्वेश्चन स्टेटमेंट्स क्या कह रही है वो रीड करते हैं. सिंस पोटेंशियल वैनिशेज एट पाई बाय टू, विच इज ट्रू, ठीक है, एक्स जेड प्लेन जो होगा वो जीरो पोटेंशियल का प्लेन होगा क्योंकि इससे पॉजिटिव पोल जितना दूर है नेगेटिव पोल इसके नीचे उतनी ही दूरी पर है, ठीक है, सो दिस इज ट्रू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन दिस प्लेन, व्हाट डू यू थिंक गाइस, इज इट राइट इज इट रॉन्ग, व्हेन आई एम सेइंग कि एक डायपोल की वजह से पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी फील्ड जीरो नहीं होता, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द पाई बाय टू इज नॉर्मल टू द प्लेन, दिस सीम्स ओके, क्योंकि अगर तुम सोचो ये लाइन्स ऐसे घूम के आके ये जो प्लेन है इस प्लेन को तो नॉर्मली ही क्रॉस कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, सो बी ऑप्शंस लुक्स करेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन दिस लाइन इज अलोंग द प्लेन, ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये लाइंस जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर लग रही है, तो सी गलत हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेज एट थ्री इक्वल टू जीरो, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से कहीं पे भी जीरो नहीं होता, सो ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट, ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट चेक द आंसर, B is the correct one. All right, let's move to the next question. Again, a straightforward question based on theory. The question says, uniform spherical volume charge distribution of radius r. So, ek spherical volume mein charge uniformly distributed hai. Theek hai? Which of the following graphs correctly represent the magnitude of electric field at a distance r from the center of the sphere? So, guys, bahar wale point pe to ek point ki wajah se jo electric field ka expression hota hai, wohi valid hoga. यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना दूर जाएंगे फील्ड कम होने लगेगा, इनर रीजन में लीनियरली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो हम लिखते हैं के क्यू बाय आर क्यूब, वेयर आर शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, और के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो पहले हमको लीनियर ग्राफ चाहिए, और तो
ये गलत हो गया, लीनियर नहीं है, ये गलत हो गया, इन दोनों में से ये सही है क्योंकि इसमें बाहर भी लीनियर दिखा रखा है, तो ये गलत हो गया. तो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड थ्योरी विच इज टॉट इन द स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सो ए शुड बी द करेक्ट वन. ओके, लाइक ये तो ऑप्शन देखते ही तुम खुद भी जज कर सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड समवेयर इनसाइड द कैविटी ऑफ अ थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस आर टू. चार्ज देखो, चलो इसकी मैं सिचुएशन बना के दिखाता हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें काफ़ियों को दिक्कत होती है, सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं. सो सिचुएशन इज समवॉट लाइक दिस, एक शेल है. ठीक है, शेल का मतलब ये वाला पार्ट सॉलिड है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में आर लिखा हुआ है. ठीक है, और ये जो है ये आर टू लिखा हुआ है. ठीक है, और क्या कह रखा है कि कैविटी के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस इनसाइड द कैविटी समवेयर. ठीक है, तो मान लेते हैं यहां कहीं पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इससे फील्ड लाइंस निकल के अंदर वाली सरफेस पे टर्मिनेट होंगी. ठीक है, क्योंकि मेटल को पेनेट्रेट नहीं कर सकती, फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी. यहाँ तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ये मैंने कर्व्ड क्यू ड्रॉ करी है क्योंकि फील्ड लाइंस मेटलिक सरफेस को नॉर्मली ही स्ट्राइक करती है. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बाहर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू. ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉलो कैविटी. यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात की गई है. तो गाइज इस बात को समझते हैं, एक सिचुएशन बताता हूं, मतलब इफ दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं कुछ चीज बताता हूं, याद रखना. इस चार्ज को तुम जितना भी यहां पर मूवमेंट करवाओगे उससे इसकी आउटर सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो वेरी करेगा, लेकिन अंदर यहां पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा अंदर कोई, क्योंकि जैसे जैसे तुम इसको मूव कराते हो ये चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करके इसकी वजह से अंदर प्रोड्यूस होने वाले फील्ड को लगातार नलीफाई करता है. ठीक है, कंटिन्यूसली कैंसिल करता रहता है. ठीक है, इस सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी ड्यूटी है बाहर प्रेजेंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर वाले रीजन्स में कैंसिल कर देना. ठीक है, सो इफ यू आस्क मी कि इसका फील्ड अंदर वाले रीजन में प्रेजेंट है या नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पे अटेंशन टू माय वर्ड्स. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में प्रेजेंट है या नहीं, द आंसर इज यस, प्रेजेंट है. ठीक है, यस द फील्ड इज प्रेजेंट, पर इसकी फील्ड ने उस फील्ड को नलीफाई कर रखा है. ठीक है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड है, इसकी वजह से अंदर फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. इसलिए इस सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है और इस चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट इनर रीजन में जीरो है, कंबाइंड इफेक्ट. ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में? अगर स्टेटमेंट यह है कि इस चार्ज की वजह से इस रीजन में फील्ड है या नहीं, द आंसर इज यस, इट इज प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट नहीं होना और प्रेजेंट होके किसी और से कैंसिल हो जाना, दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क होता है. ठीक है, आ रहा समझे? तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड है, लेकिन इस आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी ड्यूटी है इसकी फील्ड को अंदर वाले रीजन में नलीफाई करना. ठीक है, क्या इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ये हमें बताया नहीं जाना चाहिए था? क्या हमें पता नहीं होना चाहिए था जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं? क्या उस स्टेटमेंट में इस बात का कोई रोल नहीं है कि इस पे कितना चार्ज है? नहीं, कोई रोल नहीं है. तुम इसको चार्ज लेस रखो, तुम इसको पॉजिटिव चार्ज देके रखो, तुम इस सरफेस को नेगेटिव चार्ज देके रखो, वो चार्ज अपने आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि बाहर रखे हुए चार्ज की फील्ड को इनर रीजन में कैंसिल करे. ठीक है, इसकी ड्यूटी है. अभी अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, बाहर से अगर हम चार्ज हटा दें, ठीक है, तो अगर आउटर सरफेस चार्जलेस है अंदर वो कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी, अगर आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ताकि उसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड जीरो आ जाए. जीरो क्यों आ जाए? बाहर कोई है ही नहीं जो यहां पे फील्ड प्रोड्यूस करे, तो ये खुद भी कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा. या इसको ऐसे समझ लो कि बाहर एक जीरो चार्ज रखा हुआ है, उस जीरो चार्ज ने अंदर जीरो फील्ड प्रोड्यूस करा हुआ है,
यहां पर जो सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जीरो फील्ड को कैंसिल करना, तो ये अपनी वैल्यू जीरो रखेगा, पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी। अभी तुमने यहां पे कोई चार्ज लगा दिया तो इस चार्ज को रखते ही यहां पर जो भी चार्ज प्रेजेंट हो वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको कि हम इंडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। और इस ये रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस चार्ज की वजह से यहां पे जितना भी फील्ड था उसको नलीफाई करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम पॉजिटिव ना रखकर नेगेटिव रखते तो भी क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होती? तब भी ट्रू होती। यहां पर चार्ज फिर इसके हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूट होता कि इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड को नलीफाई कर सके इनर रीजन में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहां पर तुम इस चार्ज को कितना भी नचाओ अंदर तुम्हें फील्ड पैटर्न में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम गोस फॉर दी अदर सिचुएशन ऑल्सो। मतलब अभी मान लो बाहर जैसा भी फील्ड पैटर्न बना हुआ है, अभी मैंने आउटर रीजन में फील्ड लाइंस को ड्रॉ नहीं कर रखा है, पर जैसा भी फील्ड पैटर्न है इमेजिन कर लो, इस चार्ज को अंदर मूवमेंट अगर हम कराते हैं तो इससे आउटर रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे होता है? इस इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता है उसकी ड्यूटी है यहां पे प्रेजेंट चार्ज की फील्ड को बाहर वाले, इससे बाहर, ठीक है, इससे बाहर वाले पॉइंट्स पे नलीफाई करते रहना। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर जो चार्ज प्रेजेंट है यानी कि कैविटी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, कैविटी के अंदर प्रेजेंट चार्ज की कैविटी के बाहर जितनी भी फील्ड है उसको नलीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चार्ज की है। तुम इसको नचाते रहो तो ये वाला चार्ज भी अपनी जगह बदलता रहेगा, सो दैट कि इसकी वजह से बाहर किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड क्रिएट हो रही है ये चार्ज भी उतनी ही फील्ड उसी पॉइंट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करे ताकि कैंसिल कर सके। आ रही है यहां तक बात समझ में? ठीक है, अगेन इफ आई आस्क यू कि यहां पे रखे चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड कितना है, ठीक है, बहुत लोग आंसर देते हैं जीरो। उनसे पूछो क्यों, तो वो कहते हैं कि इसकी फील्ड लाइंस तो यहीं पर टर्मिनेट हो गई तो इसकी वजह से बाहर वाले रीजन में तो कोई फील्ड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम ये आंसर देते हो, ये आंसर गलत है। फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है नेट फील्ड को। ठीक है, अभी हम नेट फील्ड नहीं पूछ रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि सिर्फ इसकी वजह से बताओ। तो इसकी वजह से यहां भी फील्ड है, मेटल के अंदर भी फील्ड है, मेटल के अंदर नेट फील्ड जीरो होता है चार्जेस के स्टैटिक होने के बाद। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां फील्ड है, यहां फील्ड है, यहां फील्ड है, तीनों जगह फील्ड है, लेकिन इस सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट था उस चार्ज ने यहां पर इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रखा है, यहां पे भी कैंसिल कर रखा है। ठीक है, कैविटी के बाहर हर पॉइंट पे कैंसिल करके रखता है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की फील्ड पूरे यूनिवर्स में नॉन जीरो होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ फील्ड जीरो कहां पर है, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चाहे तुमको ये दिख रहा हो कि यहां से निकली हुई फील्ड लाइंस यहां पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है, पर कीप इन माइंड कि फील्ड लाइंस तो नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। इंडिविजुअल चार्जेस की फील्ड की बात अगर करें तो एक पॉइंट चार्ज की फील्ड पूरे यूनिवर्स में हर जगह नॉन जीरो होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ट्रबल करते हैं बच्चों को, लेकिन अगर तुम सही तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मतलब मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर किसको कौन सा पर्सपेक्टिव समझ में, मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूं। ठीक है, इस तरह के जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक और ड्रॉ करता हूं, कोई भी एक मेटल ऑब्जेक्ट तुमने ड्रॉ किया, इसकी दो बाउंड्रीज हैं, एक इनर एक आउटर, अंदर से हॉलो है ये। ठीक है, तो मेटल अगर इस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, सो आई कैन सी टू सर्फेसिस हेयर विच आर ऑन मेटल। ठीक है, एक सर्फेस ये और एक सर्फेस ये, एक मेटलिक सर्फेस यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे इस वाली सर्फेस ने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो अंदर वाली हो गई और एक इसके बाहर वाली। इसके बाहर वाली से क्या मतलब है मेरा? ठीक है, लेट मी ट्राई टू, इस सर्फेस के बाहर का मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है, जो ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूं मैं। अब मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, तो इस सरफेस के इनर रीजन में अगर तुम कुछ भी रखोगे तो ये सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो इसके इफेक्ट को इस पूरे रीजन में कैंसिल करता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो सरफेस है ये भी यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तुम अगर बाहर वाले रीजन में कोई चार्ज रखोगे तो इस सरफेस का चार्ज अंदर वाले रीजन में हर पॉइंट पे इसकी इफेक्ट को कैंसिल करेगा। ठीक है, कोई ऐसा रीजन है जो दोनों सर्फेसेस के लिए कॉमन है,
दोनों सरफेस के लिए कॉमन रीजन है ये रेड रीजन, ठीक है, इसीलिए रेड रीजन में नेट फील्ड हमेशा जीरो मिलता है। तुम यहां चार्ज रखते हो तो इनर सरफेस का चार्ज पूरे ब्लू रीजन में फील्ड को जीरो बना देता है, कंबाइंड इफेक्ट को जीरो बना देता है। तुम यहां चार्ज रखते हो तो इस ग्रीन सरफेस पे जो चार्ज आता है वो इस पूरी ग्रीन वॉल्यूम में इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को जीरो बना देता है। तो देखा जाए तो जो रेड वॉल्यूम है वो तो कॉमन वॉल्यूम हो गई, इस कॉमन वॉल्यूम में नेट फील्ड हमेशा ही जीरो आ जाएगा। यहां रखो तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, अंदर रखो तो ब्लू सरफेस न्यूट्रलाइज कर देगी, तो फिर रखेगा इसके अंदर रखोगे तो वो अपने आप ही सरफेस पे चला जाता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो इस रेड रीजन में इसीलिए हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है। ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो मिलता है। थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो गया। एनीवेज अगर तुमने कुछ सीख लिया तो आई थिंक माय ऑब्जेक्टिव हैज बीन सर्व्ड। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द हॉलो कैविटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन बोथ, गलत है, प्लस क्यू पे तो डिपेंड ही नहीं करता, जीरो वो भी नहीं है क्योंकि अंदर चार्ज प्रेजेंट है, उससे फील्ड लाइन निकल के इनर सरफेस पर टर्मिनेट हो रही थी, नहीं है, डिपेंड्स ओनली ऑन प्लस क्यू, प्लस क्यू पे तो डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड्स ओनली ऑन प्लस स्मॉल क्यू, डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, आई होप कि तुमको कुछ समझ में आया, आई होप तुमने जो आइडियाज थे वो ग्रास्प करे। अगर क्लैरिटी नहीं आई है तो वापस से देखना वीडियो, कई बार देखना, ठीक है, मतलब इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो इस वीडियो को कई बार देखना, इस तरह के क्वेश्चन में जब अटक जाओ दोबारा इस वीडियो को देखना, मैंने वो सारी चीजें बताई हैं जो इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए जरूरी है। बस ये है कि आइडिया धीरे धीरे तुम ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, उनमें फंस जाओ तो इस वीडियो को दोबारा देख के फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर मतलब दो तीन क्वेश्चन करोगे यू विल बी एबल टू ग्रास्प द आइडिया। आई हैव स्पोकन एवरीथिंग एंड वेरी प्रिसाइसली, मैंने बहुत ही केयरफुली वर्ड्स यूज करे हैं, ठीक है, सो आई होप दिस विल हेल्प यू। ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड इन द एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही फर्क है, ग्रेविटेशन में इंडक्शन नाम का फिनोमेना नहीं होता है तो वहां पे ये सब नहीं होता, इसलिए उसके क्वेश्चन ईजी रह जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंडक्शन की वजह से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं। एनीवेज अभी हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन, इसमें दे रखा है थ्री इक्वल चार्जेस प्लस क्यू, ठीक है, थ्री इक्वल चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट थ्री वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर्ड, दे आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में दे भी रखा, यहां पे एक चार्ज है क्यू, यहां पे एक चार्ज है क्यू, यहां पे एक चार्ज है क्यू, लेकिन इस ट्रायंगल की साइड नहीं पता हमें। ठीक है, एंड देयर इज अनदर फोर्स फील्ड के इनटू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये फोर्स टुवर्ड्स ओरिजिन डायरेक्टेड है, सिचुएशन क्या होगी इसको समझते हैं। देखो ये डिस्टेंस अगर आर है, ये डिस्टेंस अगर आर है, ऑफकोर्स आर ही हो जाएंगे तीनों, तो ये साइड लेंथ तो हम फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, इस Q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मान लो F, इस Q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, रिजल्टेंट इन दोनों का इधर हो जाएगा F cos 30 का डबल। तो टुवर्ड सेंटर एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स है KR, ठीक है, जो इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। तो इक्वेशन हम बनाएंगे 2F cos 30 इक्वल टू के इंटू आर। ठीक है, अब सवाल है कि F कैसे लिखें, F लिखने के लिए हमको चाहिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम R की टर्म्स में निकाल सकते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस है R, तो ये हो गया R cos 30 आधा, इसका डबल करेंगे तो √3R हो गया। ठीक है, सो वी विल बी राइटिंग KQ स्क्वायर बाय √3R स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 3R स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने F लिखा है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, KR से इक्वेट करो, हमारा एम है R निकालना, R निकालना है हमारा एम, व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, R निकालना हमारा एम है, तो ये हो गया KQ स्क्वायर बाय √3, यह एक काम करते हैं ऊपर √3 ही लिखा रहने देते हैं तो नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे 3 आ गया और K को लिख देते हैं 4π ε0, तो नीचे आ जाएगा 12π ε0, इस K को हटा देते हैं। ठीक है, इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, अब देख लो इससे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है 1/3 ढूंढ रहे हैं ना हम, पावर तो 1/3 ढूंढ रहे हैं,
ठीक है, पावर 1/3 इन दोनों में बी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, ऊपर √3 नीचे 12 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर पावर 1/3, बी ऑप्शन लुक्स गुड, ठीक है, लेट्स चेक वेदर बी ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऑलराइट, ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नाउ, ठीक है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास एम चार्ज की आर शॉट एट, ये तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, एक यूजुअल क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन में भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक और एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से, एंड देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू, सो आफ्टर सम टाइम दे विल कम एट रेस्ट विद सम सेपरेशन बिटवीन देम, और जब ये रेस्ट पे आ चुके होंगे तो जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम सेपरेशन होगा, ठीक है, तो इन दोनों की सारी काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, बस इससे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हुई, इसको कर दो डबल, दिस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिचुएशन, वी विल राइट इट एज के क्यू स्क्वायर बाय डी मिनिमम, ठीक है, निकालना क्या था हमें, डी मिनिमम ही निकालना था, तो यहां से क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, बी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, बी ऑप्शन सीम्स द करेक्ट वन, लेट्स जस्ट चेक इट आउट, बी इज द करेक्ट वन, ऑलराइट गाइस, ओके, सो फॉर टुडे आई हैड दीज मेनी क्वेश्चन फॉर यू, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, स्पेशली दैट इंडक्शन पार्ट दैट आई टोल्ड यू, बिकॉज मेनी पीपल struggle with that part, so I hope that whatever I told you it is going to help you at some point in your career. I would like to tell you about the test series that we have launched. It will consist of 2-part test and 3 full tests, alright, apart from the test analysis that we are going to do, so you may subscribe this test series also, it will be beneficial for you, alright, once again I tell you about the Telegram group, you should join this group, take advantage of this group, alright, and finally do like this video guys, post your comments, I'll definitely respond, the response may come a little bit late but it will come for sure, and do subscribe our channel guys, that's the only thing that we expect from you guys, thank you so much for watching this video.